नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम के कार्यालय में उपस्थित हैं। अभी हम जिला अध्यक्ष बबलू मंडल से खास चर्चा में जुड़ेंगे। चलते पहले परिचय लेते हैं। तिरछी आंख में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान भाई, आप हमारे कार्यालय में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बबलू भाई, आरपी सिंह क्या कह दिए जो पूरा हंगामा मचा हुआ पूरा बिहार में, इसके बारे में पहले बता दें। देखिए, हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी ने उन्हें पहचान दिया, राजनीतिक पहचान दिया, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जनता दल यू का बनाए। और उनका बयान हास्यास्पद है कि जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जनता दल यू का अस्तित्व भविष्य में कहीं भी समाप्त होने की बात नहीं है, इनका जड़ बहुत मजबूत है। हम सुने थे क्या विलय हो जाएगा, सही बात है क्या? अरे हम वही बता रहे हैं, बता रहे हैं, बताइए ना। जग तब सूरज चांद रहेगा नीतीश कुमार जी, और जनता दल यू का अस्तित्व कायम रहेगा। और नीतीश कुमार को जो हिलाने वाले, ये जड़ बहुत ही मजबूत है। इनके जैसे सैकड़ों आरसीपी सिंह जो है ना, लग जाएंगे, फिर भी जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। जनता दल यू का पहचान दिए हैं आरसीपी सिंह कौन है। कौन जानता आरसीपी सिंह को कि जनता दल यू में क्या, नीतीश बाबू का पहचान दिया हुआ है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाने ने। तो आरसीपी सिंह को अभी भी कोई गांव में जानता है क्या? जनता दल यू के नेता जानते हैं, वो भी काम आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है कि ये आरसीपी सिंह को हम लोग जानते हैं, संघर्ष किए हैं क्या? हम लोग जैसे कार्यकर्ता संघर्ष किए हैं, दरी सफेदा बिछाए हैं, पोस्टर भी साटे हैं, झंडा भी गाड़े हैं, ये सब देन है नीतीश कुमार जी का। और ईमानदार और वफादारी से प्रदेश को ये यही बिहार था क्या? आरसीपी सिंह का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इनका इनके से सैकड़ों लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जनता दल यू का कभी अस्तित्व समाप्त होने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल मजबूत है। और सब पूरा बिहार के जनता दल यू के साथ ही नीतीश कुमार जी के साथ है, पूरे मजबूती के साथ है। सुने कई विधायक बदलाव कर रहे हैं, उलट पुलट बात बोल रहे हैं, क्या बात सही है गलत है? अब कौन विधायक क्या बोल रहे हैं वो आपने बताइएगा। सारे विधायक नीतीश कुमार जी के साथ हैं, उन सब के नेता नीतीश कुमार जी हैं। कौन क्या बयान देते हैं ये हम नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं। सब के नेता नीतीश कुमार जी हैं, सब विधायक का पहचान नीतीश कुमार जी का देन है, सब मान्य विधायक हैं। भाजपा ने हमें क्या काम किया विधानसभा चुनाव में, और सब विधायक हमारे जानते हैं। सबके पीठ में खंजर भोलका है, और नीतीश कुमार जी का देन है कि 43 सीट हम लोग जीत के आए, नहीं तो आज सैकड़ों से ऊपर रहते। यही भाजपा का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू बताए, भाजपा का ये काम कर रहे थे, जो एजेंट का काम कर रहे थे, आज स्पष्ट हो गया। एजेंट काम कर रहे थे क्या? बिल्कुल, आज स्पष्ट हो गया ना। कैसे पता चला कि एजेंट के काम हो रहा था? ये समय रहते हमारे सर्वमान्यता दूरदर्शी नेतृत्व करता है, ये दूर से हम लोग बिहारी जो है ना, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। और हमारे सर्वमान्यता नीतीश कुमार जी पहचान कर लिए, आकलन कर लिए कि कौन क्या कर रहे संगठन में, और सही समय पर सही इलाज कर दिए हैं। अजी बताइए, गठबंधन चलेगा कि नहीं? महागठबंधन जी, महागठबंधन इतना मजबूत है ना, जो बिहार के रफ्तार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिए हैं, आज वो दोनों चचा भतीजा तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी और लालू जी के बड़े भाई के नेतृत्व में जो इस महागठबंधन का निर्माण हुआ है, बहुत ही तीव्र गति से यह चलेगा। अभी देख लिए ना, कल मेट्रो का हो रहा है काम, लगातार ये अनवरत काम चलता ही रहेगा। और ये महागठबंधन आने वाला चुनाव जो लोकसभा का है, 24 का 40 का 40 सीट जीतेंगे और भाजपा को क्लीन बोल्ट करेंगे। चलिए बबलू भाई, अच्छा बात आप बोल दिए हैं। चलिए एक और नेता से मुलाकात करवाएंगे, ये परिचय लेते हैं क्या है। आपका स्वागत है। आपका भी इरफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जो है पहली बार तिरछी आंख में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है, मैं जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ और जिला वफ कमेटी का भी सेक्रेटरी हूँ, और बहुत से सामाजिक संगठन से हम लोग जुड़े रहते हैं।
और ये पहला बार है कि आप हम हमारा परिचय आप अपने तिरछी नजर तिरछी आँख के बाय माध्यम से जो है लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय साहब भाई ये बताइए कि महागठबंधन चलेगा कि नहीं, ये पहले बताइए। महागठबंधन तो चलेगा ही, कि आप सुने होंगे कि उस बीच में जो महागठबंधन पहले मेरा बना था और बीच में जो टूटा था उसमें यही आरसीपी सिंह है। इसमें लंदन बाबू बता दिए कि तीन ही आदमी जो है ये गठबंधन, क्योंकि वो तो बीजेपी के एजेंट थे, तो अपना एन कैन प्रकरण करके जो है हमारा गठबंधन को तोड़ा। लेकिन सही समय पर हमारे माननीय नीतीश कुमार जो हमारे सम्मान नेता हैं तो इस बात को समझ गए और गठबंधन पुनः जो है सही जगह पे आया। और गरीब गुरबा की सरकार है और जमीन से जुड़ा हुआ महागठबंधन है। आप देखे होंगे विगत वर्षों में बीजेपी का जो क्रियाकलाप बिहार में रहा वो किनके दिन थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरा पे इनका जो है व्यक्तित्व रहा, लेकिन ये पीठ में खंजर का ढोकने का काम किए। उसका एक छोटा सा उदाहरण हम बताते हैं, चूंकि हम वहाँ संघीय समाज से आते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हम एक अल्पसंख्यक समाज अपने भाई से पूछे कि आप इतना बताइए नीतीश कुमार जी इतना हमारे लिए अल्पसंख्यक समाज के लिए इतना जबरदस्त काम किए कि अफगानिस्तान की घेराबंदी करवाए, हुनर को हम करवाए, अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से लोगों को रोजगार दिए, बीपीएससी और सारे लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवाए, फिर भी आप क्यों नाराज होते हैं। तो बहुत ही सटीक बात वो बताए जो अब समझ में आ रहा है हमको। वो बोले आप जो देख रहे हैं कि एनआरसी में बिहार से विधानसभा से उसको पारित किया गया, यहाँ पे एनआरसी और ये सब नहीं लागू होगा, लेकिन ये पीठ पे छुरा मारने वाले हमारे आरसीपी सिंह वहाँ एमपी मतलब पार्लियामेंट में खड़े होके जो है इस बिल का जो है बीजेपी के साथ सुर में सुर मिला के समर्थन कर रहे थे, जिसके चलते हमारे सारे अल्पसंख्यक समाज भड़क गए कि भाई तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। और वो सब का सब बीजेपी की सारा पर कर रहे थे और सारा दोष हमारे माननीय नीतीश कुमार जो हम सबों के नेता है, सबका साथ सबका विकास सबको लेके चलने वाले नेता पे जो है, तो आज देख लीजिए ना उसकी दुर्गति पुर गई। जो आदमी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रालय में पीए थे उनको इतना सम्मान दिया गया, उनको जमीन से कहाँ पहुँचाया गया, ये आरसीपी टैक्स के नाम से भी जाने जाते थे, चोरी करते थे ये और बदनाम हमारे माननीय नीतीश कुमार जी होते थे, हर चीज का आंकलन होता है। घोटाला भी है क्या? घोटाला की बात तो बात की चीज है। आप जो बार बार सुनते होंगे कि आरसीपी टैक्स, ये टैक्स जो भी करते होंगे, लेकिन ये बदनाम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होते थे। ये सारा आंकलन करने के बाद कि इनके द्वारा क्या क्या किया गया हमारे पार्टी में रह के, जिसका आंकलन के बाद और सारे सच्चाई के बाद जब सामने आई है, तो ये तो बीजेपी का एजेंट निकला, इसलिए इनको जो है पार्टी और पार्टी माँ समान होती है, पार्टी समुद्र है, पार्टी संगठन से लोग की पहचान है ना कि लोग से संगठन की पहचान है। ये खुद वो जब हमारे पार्टी में तो यही बात कहते थे और हम आज आपके चैनल से यही बात उनको कहने जा रहे हैं कि पार्टी समुद्र है और संगठन से बड़ा कोई नहीं है। और जो प्रकरण आप देख रहे हैं महागठबंधन की सरकार मजबूती से चलेगी। भाजपा वाले बोल रहे हैं महागठबंधन नहीं चलेगी नहीं चलेगी, क्या इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए भाजपा वाले इससे क्या कहें, जिसका घर शीशे का हो दूसरे घर में शीशा मारते हैं। आप देखिए ना इसका गोवा का उदाहरण देख लीजिए, महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देखिए, वो करे तो मतलब जो है रामलीला, हम करे तो रासलीला, ये तो दोहरा चरित्र। अभी देखिए बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अपराधी छवि के या फलना बन गया, आप देखिए ना अभी इनके शहनवाज हुसैन पर जो है फयार होने जा रहा है। आप देखिए ना तरीपार को जो हम जो गुजरात में दंगा करवा के कितने लोगों का कत्ल करवा के, और उसके बाद जो है तरीपार थे इसको जो भगाया गया है, और वो तरीपार आदमी हमारे उंगली पर उंगली उठा रहे हैं। और वो तो न्यायालय की बात है ना, जैसे आपको क्लीन चिट मिला है तो आप घूम रहे हैं, वैसे हमारे लोगों को न्यायालय से क्लीन चिट मिल जाएगा वो भी घूमेंगे। अगर न्यायालय द्वारा कुछ किया जाएगा तो उसके लिए पार्टी हमारी सोचेगी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, इत्मीनान से सरकार चलेगी। इसमें किसी ये रात ये विधवा विलाप करते रहे, चूँकि जो इनके साथ गोदी मीडिया लगे हुए हैं, मतलब सत्ता परिवर्तन हुआ तो गोदी मीडिया रो रहे हैं विलाप कर रहे हैं। एक घटना रे घटना तो होती है, अभी देखिए हमारे यहाँ जो है आप देखे होंगे कि दो ट्रक वाले का हत्या करके मार दिया गया,
तो बीजेपी वाले हल्ला कर रहे थे कि जंगल राज आ गया, लेकिन मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ वो सारे के सारे अपराधी पकड़ा के जेल गए हैं। घटना तो होगी लेकिन सबसे बड़ी बात उसका उद्भेदन करना। तो सरकार हमारा इसमें लगी हुई है, आप कितना भी कुछ कीजिए, कितना भी घटना कीजिए, आप हमारे सरकार की नज़र से नहीं बच सकते हैं।